अल्लाह लेकूम आई एम इर्सा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फॉरामिया डॉट पी के एंड नाव वी आर गोइंग टू स्टर नेक्स्ट चप्टर दैट इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटेटिक्स इलेक्ट्रो डाइनमिक्स और जितने भी हमने इलेक्ट्रिकल इनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए और अब हमारा बिल्कुल चेंज टॉपिक स्टार्ट होने लगा जो कि है सॉलिड्स से रिलेटेड है और हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स से तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो सॉलिड्स ना इसको ना डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है इनमें नंबर वन है क्रिस्टल्स अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ ना तो क्रिस्टल्स में होता यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं यानी कि अगर आप एन के स्ट्रक्चर को लें तो इसमें आप देखें कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर एक यूनिट बनाते हैं और वो यूनिट रिपीट हो रहा होता है और वो हमारे पास एक फार्मूला यूनिट कहलाता है और इनका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है जो कि हमारे पास क्रिस्टल कहलाता है इसके बाद है हमारे पास पोली सॉलिड अब पोली सॉलिड्स में हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो है ना मोनोमर्स जो होते हैं मोनोमर्स जिसमें हमारे पास छोटा कंपाउंड होता है वो मिल हमारे पास एक बड़ी चेन बना रहा था जिसको हम पॉलीथीन या पॉलीमर्स भी कहते हैं इसके अंदर जो हमारे पास एक फिनोमेना लग रहा होता है उसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं अब इसके बाद है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास जो पार्टिकल्स और सॉलिड्स होते हैं ना वो बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली अरेंज नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे से दूर होते हैं और इसको ना हम डिफाइन करते हैं कि किरिए और मॉलिक्यूल दैट डू नॉट फॉर्म डिफाइंड पैटर्न और लैटिस स्ट्रक्चर जिस तरह का मैंने आपको बताया था तो ना क्रिस्टल में स्ट्रक्चर होता है या पोलीम में हमारे पास एक सिंपल सा मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बन रहा होता है इसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है और वो एक फिक्स पैटर्न को नहीं बना रहे होते अब पास एक crystal structure. Crystal structure तो हमारे पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करूँ ना तो इसमें हमारे पास क्रिस्टल बन किस तरह होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस होता है सिंपल और उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल एक अगर मैं एन का स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है उसके बाद हम इसमें बेसिक ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक क्रिस्टल बन रहा होता है। इसमें हमारे पास सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर क्यूब भी आप देख सकते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक मॉड्यूल अब प्लास्टिक मॉड्यूलाई क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज करता है यानी कि हम उसके ऊपर जब स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा अब इसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तीन किस्म के इलास्टिक मॉड्यूलाए हैं क्या क्या यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस के हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा कि चेंज इन लेंथ के हिसाब से हम इसके अंदर देख रहे होते हैं आए इसकी एक डेरिविएशन को देखते हैं आपको यह बात पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है जबकि जो पास है, पास है। हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ लेंथ ओवर ओरिजिनल है और यंग्स क्या हमारे पास रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन और हमारे पास ये ओवर ओवर डेल्टा एल ओवर एल कहलाएगा अगर इसके बाद में शेयर मॉडुलस की बात करूं तो आपके पास जो स्ट्रेस है वो तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही है लेकिन आपके पास जो स्ट्रेन है ना वो हमारे पास शेयर फेस के अंदर जो चेंजिंग आएगा ओवर द फिक्स फेस यानी कि चेंज इन द फेस क्योंकि फेस जो है ना हमारे पास टिल्टेड हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजिशन से चेंज हो जाएगा और उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई अब हमारे पास जो इसके अंदर शेयर मॉडल्स है वो शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन होगा यानी कि एफ ओवर ए ओवर डेल्टा एक्स ओवर वाई अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास स्टैंड थीटा कहलाता है और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू कम हो तो हम उसको बिल्कुल थीटा भी लिख सकते हैं और यो हमारे पास जो ड्यूमिनेटर में ए है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके बाद हमारे पास बल्क मॉडुलस अगर बल्क मॉडुलस की बात करें तो हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली इसके अंदर चेंज आता है ना यानी कि चेंज इन वॉल्यूम वो हमारे पास बल्क मॉडुलस कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे पास क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया जबकि स्ट्रेन क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम ओवर दी ओरिजिनल वॉल्यूम जबकि हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा यानी कि y वाईजल्टा वी ओवर v ठीक है अब इसमें हमारे पास अगर मैं इनकी रेशियो लू तो f ओवर ओवर डेल्टा v ओवर वी और आपको ये बात पता है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया है उसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं तो यू हमारे पास बल्क मॉडुलस कंप्लीट होता है इसके बाद हमारे पास टॉपिक है हुक्स लॉ का और हुक्स आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और जितना हटाते हैं तो वहां पर कॉन्स्टेंट के लगाते हैं और आपको पतास्टेंट के ना ये हमारे पास इलास्टिसिटी कहलाता है अब हम एक देखने लगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसको आपने जरा गौर से देखना है कि ये स्ट्रे, स्ट्रेस ट्रेन कर्व है क्या कि ये हम स्ट्रेस वर्सेस ट्रेन के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं इसमें आप देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेन है ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है जबकि स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस पे है और इसमें जो पॉइंट ओ से लेके ए तक है ये वो पॉइंट है जो लीनियर ग्राफ को शो कर रहा है यानी कि जब तक हम बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो इस पॉइंट से बॉडी अगेन अपनी प्रीवियस पोजिशन को अटेन कर लेगी और जबकि इससे अगला पॉइंट जो ए से लेके बी तक है वो हमारे पास यील्ड पॉइंट कहलाएगा और इसमें होगा क्या कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉइंट बी से बॉडी को डी करके छोड़ें तो वो वापस रिटेन कर लेगी मगर जो ही इससे ऊपर आप जाएंगे यानी कि पॉइंट सी तक तो वहाँ पे जाके बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को टेन नहीं करेगी बल्कि डी शेप हो जाएगी या फिर डी फॉर्म हो जाएगी लेकिन जो ही बॉडी सी से लेके पॉइंट डी तक जाएगी तो उसके बाद बॉडी जो है अपनी आप को ब्रेक कर लेगी ना कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ बल्कि अपनी चेंज कर लेगी अपनी शेप को और वो ब्रेक हो जाएगी तो यू हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर से एक बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं इसके बाद एक सॉलिड के अंदर क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें सबसे नंबर वन है स्ट्रेंथ यानी कि कितना हमारे पास जो सॉलिड है वो कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर उसको हम कितनी फोर्स लगे तो वो चेंज नहीं हो सकता हार्डनेस सेम है हमारे पास स्ट्रेंथ कितना ब्रिटलनेस उसके अंदर कितनी चेंजिंग आ सकती है कितना ब्रिटल है टफनेस हमारे पास जब हम उसको हैमर से स्ट्राइक करें तो उसके अंदर कितनी अपने अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर ले प्लास्टिसिटी यानी कि कितनी अगर हम फोर्स लगाएं तो वो अपने आप को चेंज कर ले इलास्टिसिटी कि वो कितनी फोर्स के बाद अपने आप को वापस अपनी प्रीवियस पोजिशन पर डिफ़ॉम कर ले इसके अलावा स्टिफनेस है और हमारे पास डक्टिलिटी डक्टिलिटी से मुराद मेरे पास ये है कि जब भी हम किसी मेटल के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो 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 वायर्स एंड शीट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इसके बाद हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी नाम से ही जाहिर है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाए तो वो स्ट्रेच होगी यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इसके लिए हम देखते हैं कि वर्क डॉन ऑन अ वायर ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग तो वो क्या होगा एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइब एक्सटेंशन यानी कि हम कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और वो कितनी बॉडी एक्सटेंड हो रही है और इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इन हाइट क्योंकि आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है इसमें आप देखें हॉरिजॉन्टली हमारे पास ओ बी है और वर्टिकल हमारे पास ओ ए है तो हमारे पास जो बेस है वो ओ बी कहलाएगी जबकि हाइट हमारे पास ए बी कहलाएगी और आपको ये बात पता है कि जो इसके हॉरिजॉन्टल है वो एक्सटेंशन है जबकि वर्टिकल ग्राफ हमारे पास फोर्स को शो कर रहा है तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला निकलेगा हाफ ऑफ एफ क्रॉस ई अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड थ्योरी अगर मैं आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो इस तरह है कि जब भी ना हमारे पास एटम्स मिल्क ए मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ये ना अपने एक दूसरे के एनर्जी गैप्स को फिल करते हैं और एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं अब इन्हीं की बेसिस पे ना हम ना सॉलिड्स को ना डिस्टिंग्विश करते हैं यानी कि इनके डिफ्रेंशिएट करते हैं इनमें इंसुलेटर कंडक्टर या फिर सेमी कंडक्टर इसी एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर्स की अगर मैं आप आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है इसमें आप देखें आपके पास तीन बैंड है एक कंडक्शन बैंड है एक वैलेंस बैंड है और इनके दरियान एक फॉरबिडन एनर्जी बैंड है अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होते जबकि हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के केस में ना हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से खाली होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो इंसुलेटर्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट नहीं कर रहे होते इसके अंदर वैलेंस बैंड फिल होता है और इसके अंदर जो एनर्जी बैंड यानी कि जो फॉरबिटेड एनर्जी बैंड है वो हमारे पास उसका जो गैप है वो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है जबकि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में हमारे पास क्या हो रहा था कि जो हमारे पास एनर्जी बैंड्स इनर्जी ना वो एक दूसरे के साथ ना ओवरलैप हुए होते हैं यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं इसके अंदर कोई भी फॉरबिडन बैंड नहीं होता इसी वजह से हमारे पास कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट कर रहा होता है अगर मैं सेमी की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो बैंड है ना वो इस डिफाइंड होते हैं कि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना वो काफी कम होता है यानी कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ने स्विच करना है तो वो बहुत ईजिली स्विच कर सकते हैं उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो स्विच कर जाते हैं और हमारे पास जो सेमी है वो भी एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा होता है इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर जो कि सुपर कंडक्टर्स हैं, जो कि नाम से इजार इतने स्पेशल कंडक्टर हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को अपने अंदर से फ्लो करवा देते हैं विद नो रेजिस्टेंस अब इसको क्या होता है कि हम एक मेटल को हम एक ऐसे टेम्परेचर तक लेके आते हैं जिसके ऊपर वो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा होता है यानी कि वो अपनी रेजिस्टेंस को जीरो कर रहा होता है इसके अंदर किसी किस्म की अपोजिशन नहीं होती और इसी बेस पे हमारे पास थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी है क्या होता है कि जब हमारे पास एक अन मैग्नेटाइज मटीरियल होना तो इसके अंदर हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो आ, इसके मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के डायपोल्स के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं तो इस वजह से हमारे पास उसके अंदर किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो क्या होता है कि वो जो मैग्नेटिक पार्टिकल है ना वो एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो सारे एक डायरेक्शन में जबकि साउथ पोल जो है वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास सारे का सारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए तो हमारे पास सेचुरेटेड पॉइंट भी कहलाता है और अगर हम उस सेचूरेटेड पॉइंट के बाद उस मेटल को हीट करना शुरू कर दें तो वहां पर हमारे पास मैग्नेटिज्म लूज होना शुरू हो जाती है अब इसमें मॉडर्न व्यू क्या है मॉडर्न व्यू आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी मूवमेंट ही की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है

किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म हो रहा होता है यानी कि नो सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक अगर एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है है वो होगा और इसमें आपने इस चीज को भी जहन में रखना कि जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी ना उतनी ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिज्म उस सॉलिड के अंदर होगी अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स कि किस तरह हम मैग्नेटिक मटीरियल को क्लासीफाई करते हैं इनमें सबसे पहले है हमारे पास पैरा मैग्नेटिक मटीरियल इसमें जो सब्सटेंस होते हैं ना इनके अंदर जो स्पिनिंग और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना वो जो सब्सटेंस के अंदर जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट कर रहे होते हैं यानी कि उनके अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाते हैं और जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहे होते हैं इसकी एग्जाम्पल है एलुमिनियम या फिर एंटीमनी ये दोनों एक मेटल्स हैं इसके अलावा हमारे पास है डाय मैग्नेटिक मटीरियल डाय मैग्नेटिक मटीरियल में क्या होता है कि इसमें ऑर्बिटल और स्पिन एक्सिस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर और जिंक जबकि फेरो मैग्नेटिक इनमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मेट होते हैं इनके अंदर होता क्या यह सबसे ना इसका इंडिविजुअल एटम जो होता है ना वो खुद एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन निकल और कोबाल्ट की क्योंकि जब भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ये अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं अब हमारे पास है इसके अंदर लास्ट टॉपिक वह है मैग्नेटिक हेस्टेलिस का मैग्नेटिक हेस्टेलिस क्या है कि आपको ये बात पता है कि जब भी हम किसी कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड करंट को जनरेट कराते हैं तो वो अपने गेट क्या करता था मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता था यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था अब इसमें ना एक ना हम ग्राफ को स्टडी करेंगे जो कि हम अपने चैप्टर में डिटेल में करेंगे इधर मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू बता रहा हूं ये ग्राफ जो ना फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि इसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है ना उसको वाई एक्सिस पर लिया जाता है जबकि एक्स एक्सिस पर हम इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स ले रहे होते हैं जब भी हम किसी कॉइल को करंट देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो अपनी इस लाइन को आप देखें जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लाइन है उसको सेचुरेशन पॉइंट तक जाता है जो हमारे पास सेचुरेशन आपको नजर आ रही है जो ही हम यहां से यानी कि जो एसी करंट होता है ना आपको है ना वो प्लस माइनस प्लस माइनस अप्स एंड की फॉर्म में चार होता है जब उसके पास पहला नेगेटिव आता है ना तो वो हमारे पास वापस आता है और हमारे पास वो कोरिसी पॉइंट कहलाता है जो आपके ग्राफ में आपको नजर आ रहा है और उसके बाद जब नेगेटिव आता है तो फिर अगेन नीचे आता है और फिर उसके बाद जब हमारे पॉजिटिव आ रहा होता है तो ये ग्राफ एक साइकिल की फॉर्म को अचीव कर लेता है और यूं हमारे पास एक मैग्नेटिक मैग्नेटिकारिस लूप की फॉर्म को वो क्रिएट कर रहा होता है आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स अभी तक समझ आए होंगे इस वीडियो में इतना ही सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक अंटिल दैन दिस इज इट्स फ्रॉम तिटोरिया डॉट पी के